महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से कुल हिंद मुशायरे का, जिस तरह से कुछ उलमाओं ने जो है बायकॉट किया था कि शहर की जो मैक कंपनी है वहाँ पर कुछ महिलाएं जो है CAA NRC NPR को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसको देखते हुए यानी शहर के हालात को देखते हुए कुछ उलमाओं ने जो मित्तल ग्राउंड में आज होने वाला मुशायरा यानी 26 जनवरी को जो होने वाला मुशायरा था उसको लेकर सालवा होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और बाकायदा कहा गया कि जो ये मुशायरा होने वाला है उस मुशायरे का हम बायकॉट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ उलमा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि जो उलमा लोग जिस तरह के से इस मुशायरे को बायकॉट किए थे तो आज आप लोग उस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस करने की तो ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कल जो सलवा होटल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ताल्लुक से अपने शहर का जो सबसे बड़ा इदारा है दारुल फला, उसके ऊपर लोग बातें उठा रहे थे कि ये सब दारुल फला के लोग थे। तो सिर्फ दारुल फला इंतज़ामिया की जानिब से और ट्रस्टियान की जानिब से ये क्लियर करना है कि उस कॉन्फ्रेंस से दारुल फला के ट्रस्टियान का, दारुल फला के जिम्मेदारान का कोई ताल्लुक नहीं है। और उन लोगों ने मुशायरे के बायकॉट का ना कुछ ऐलान किया है और ना कभी उन लोगों ने ये सोचा है। अगर दारुल फला के कुछ असातिज़ा उसमें गए हैं तो ये उनका ज़ाती मामला था, मदरसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज का जो दौर है दारुल फला मदरसा उस दौर से गुज़र रहा है और सारे लोगों की जो परेशानियाँ हैं उस परेशानियों को दारुल फला भी अपने अंदर ले रहा है और देख रहा है, क्योंकि CAA और NRC NPR ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई मुशायरा करवा रहा है, तो कभी कोई एहतजाजी धरना दे रहा है, तो दारुल फला इसको देख रहा है और दारुल फला का हर जिम्मेदार ये चाह रहा है कि हम हर धरने में शरीक हों, हम हर मुशायरे में शरीक हों जो एहतजाजी हो, और हम हर प्रोग्राम में शरीक हों जिससे हमारे कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे हिंदुस्तान का जिससे फ़ायदा हो। अगर दारुल फला इदारे के जो उलमा हैं अगर वो ये चाह रहे हैं तो फिर सालवा होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो क्यों गए? ये उनका ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला कैसे हो गया फिर ये? अरे, दारुल फला के जो असातिज़ा हैं वो दारुल फला के असातिज़ा मदरसे में पढ़ाते हैं। अब मदरसे में पढ़ाते हैं, छुट्टी हो गई, वो कहीं भी जाएं तो दारुल फला उनको बांध के तो रखता नहीं। यानी आपके इदारे में जितने भी लोग हैं अगर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद वो कुछ भी करें तो वो आपके उलमा इकराम में नहीं आएगा, आपकी संस्था में नहीं आएगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी कैसे लेगा अगर हम बाहर निकल गए? तो अगर आप बाहर निकल के उन लोगों ने ये बात कही तो फिर आप यहाँ मीडिया को बुलाकर क्यों कह रहे हैं कि उससे हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी? लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया, हम लोग बुलाते भी नहीं, लेकिन लोग मदरसे के ज़िम्मेदारों को और मदरसे के ट्रस्टियान को फ़ोन करने लगे कि आपके मदरसे के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और ये हालात अच्छे नहीं हैं मुमरा शहर के, इसलिए मदरसे के ज़िम्मेदारों ने एक आपको बुलाया और एक मैसेज दिया था कि आप सारे लोगों को पहुंचा दें कि मदरसे के ट्रस्टियान और मदरसे के ज़िम्मेदार, और मदरसे का ये फैसला ही नहीं है, ये फैसला जो भी है वो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि आपकी जो संस्था है दारुल फला का, तो जब तक वहाँ पर है तभी तक आप में एकता है, बाहर निकलने के बाद कोई कुछ भी करे, किसी को कुछ भी बोले, आप लोगों से कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, यानी उलमा इकराम का शहर में कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर फिर जाति मामला कैसे हुआ वो? अगर एक शहर में एक मुशायरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है या और भी कोई प्रोग्राम हो, अगर बायकॉट करते हैं आपके लोग तो आपको ये कैसे कह रहे हैं आप कि वो उनका पर्सनल मामला है? ये पर्सनल मामला तो अभी उनका पर्सनल मामला है, अभी जब इंतज़ामिया अपनी मीटिंग करेगी और मीटिंग करके अगर उनको लगेगा कि ये गलत चीज़ है और इदारे का इसमें नुकसान हो रहा है, इदारे के नुकसान और फ़ायदे के ऊपर है, अगर इदारे का नुकसान उससे हो रहा है तो इंतज़ामिया जो है उनको सज़ा देगी। दारुल फला इदारे से जो 7 लोग गए थे वहाँ पर, आपने उन लोगों से पूछा कि क्यों गए थे आप लोग, क्या बताया उन लोगों ने? उन लोगों ने तो ये बताया, जो लोग गए थे वो क्या बोला हाथ में बताओ आप? उन लोग ये बताया कि हमको मालूम नहीं कि ये इसका आज का प्रोग्राम था करके मुखालिफत का, उनको मालूम नहीं था। अगर उनको मालूम पड़ा, वो
उलमा इकराम उनको अगर मालूम पड़ा तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या ये काम नहीं होता कि उस चीज़ का वो वहीं पर खंडन करें कि भाई हमें गलती से यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर दूसरी चीज़ हो रही है, इसमें हम शरीक नहीं हैं, वहीं पर उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हमने मौलाना शरीफ से बात की है, उनके साथ में हमारे 6 उस्ताद थे, तो मौलाना शरीफ ने बोले कि हमको ये मालूम था कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है करके मैं वहाँ खड़ा मैं वहाँ रुका था। अगर मुझे मालूम पड़ता था कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुशायरे के खिलाफ हो रहा है तो मैं जाता ही नहीं था, हर की जाता नहीं था। नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर, वो काफ़ी देर तक वहाँ पर उलमा इकराम जो एक केबिन है वहाँ पर, उसमें उलमा इकराम करीब 15 से 20 मिनट बैठकर बाकायदा मीटिंग किए हैं, उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पहले ही सवाल में जो है उन्होंने कहा है, बासित जो है मौलाना बासित, उन्होंने कहा कि हम इसका जो है बायकाट करते हैं। तो अगर आपके इदारे के वहाँ मौलाना थे, उन्हें ये जानकारी नहीं थी, तो बायकाट शब्द सुनकर वो क्यों नहीं चौंकी, क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाए कि हमें धोखा दिया गया, हमें यहाँ बुलाया गया धोखे से? तो ऐसी बात चल रही है कि उन लोग बता रहे कि हमको ये मालूम है कि लोग बायकॉट करने के लिए बुलाया गया, उन्होंने वो तो ये बता रहे कि हमको धोखा देकर बुलाया गया है और हमसे जबरदस्ती बोला गया क्या बोलने के लिए, क्या इससे तुम इसकी मुखालिफत करो मुशायरे की? कोई छोटे बच्चे नहीं है, एक उलमा इकराम है, कैसे जबरदस्ती कोई बुलवाएगा? इंशाल्लाह भी उन पर एक्शन लिया जाएगा, इंशाल्लाह आज मीटिंग कॉल होने वाला है, उसके एक्शन होगा उनके ऊपर। अगर जो भी कोई मुमरा कोसा का माहौल बिगाड़ रहा है और कोई इदारा, इतना बड़ा मुमरा शहर है, हर कोई जानता है कि उलमा इकराम का शहर में क्या रोल होता है, कोई भी चीज़ होती है तो लोग उलमा इकराम के पास पहुँचते हैं। और अगर उलमा इकराम ही कहे कोई चीज़ गलत करके कि हमें बहकाया गया, हमसे ये कहा गया, तो कैसे कोई मानेगा बताओ? देखिए, ये तो बात जो भी है वहाँ पे तो वीडियो में सब सामने आ गया है, अब कौन क्या कहता है क्या बोलता है ये जब मदरसे की जिम्मेदारान मीटिंग लेंगे और मीटिंग के अंदर उनकी वीडियो देखी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, तो जो भी मुनासिब उनके लिए लगेगा। लेकिन अभी जो है ये जो मुशायरे का बायकाट का मामला आया है, इससे दारुलफलाह के इंतज़ामिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर दारुलफलाह के असातिदा वहाँ गए हैं और उनको जब बुलाया जाएगा, तहकीक की जाएगी, अगर उन्होंने गलत काम किया है, ऐसा लगा कि इससे इदारे का नुकसान होगा, तो उनको जो है आप तहकीक में कैसे ये कंफर्म करेंगे कि ये जो है भूल से गए थे या अनजाने में गए थे या ये खुद जानबूझ कर गए थे, इस चीज़ का आप पता कैसे लगाएंगे? अरे हम इंतज़ामिया तो नादान बच्चा है नहीं कि वो कहेंगे हम अनजाने में गए थे, हम भूल के गए थे और वो मान लेंगे, वो तो तहकीक होगी ना, तहकीक होगी और डिस्कस होगा, मशवरा होगा, मशवरे में जो बात तय होगी उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुशायरे के बायकाट का ताल्लुक मदरसे की इंतज़ामिया से नहीं है, दारुलफलाह मदरसा मदरसे बायकाट के सिलसिले में ज़िम्मेदार नहीं है। जो भी अगर असातिज़ा गए हैं तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने अपने हिसाब से वो वहाँ जाकर के बयान दिया है। इंतज़ामिया इस बात के लिए जोर दे रही है और लोगों को बता रही है कि इसका बायकाट जो हुआ है वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं हुआ है, वो और लोगों ने जो किया है वो किया है, इंतज़ामिया इसकी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो आप लोग इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई? अभी तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, इतने में हम कैसे उनको पता लगा लेंगे ये दोषी हो गए? अगर ये दोषी हुए, अगर ये दोषी पाए गए तो इंतज़ामिया के पास तो है, उनके पास अख्तियार है, वो अपने अख्तियार के हिसाब से जो चाहेंगे उनको करेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह से मुशायरे का बायकाट किया गया था, कुछ उलमा इकराम ने बायकाट किया था, लेकिन जो दारुल फलाह इदारा के उलमा इकराम हैं उन लोगों का कहना है कि इस बायकाट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि जो हमारे उलमा इकराम वहाँ पर 5 से 6 से 7 लोग गए थे, बहरहाल वो लोग जो है गलती से गए थे, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्हें जानकारी इस चीज़ की नहीं थी तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें भी आवाज़ उठाना चाहिए था कि हमें धोखे से बुलाया गया है यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से अभी इन्होंने ये जानकारी दी है कि इस दारुल फलाह इदारे से इस बायकाट का कुछ लेना देना नहीं है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।